इसराइल के लेबनान में बहुत बड़ा हमला हुआ है। आपको बता दें कि हिजज अब्दुल्ला जगह पर 1300 लोगों के ऊपर अटैक किया गया, जिसमें 492 लोगों की मौत की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसराइल का लेबनान पर बहुत बड़ा हमला, 1300 से ज्यादा ठिकानों पर हमला हुआ है। हमले में 492 लोगों की मौत की भी खबर है। इसराइल में 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसराइल के लेबनान पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के 1300 ठिकानों पर हमला किया गया, जिसमें 492 लोगों की मौत हो गई है। इसराइल में 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान किया जा चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये एक जगह नहीं बल्कि 1300 से ज्यादा ठिकानों पर यह हमला हुआ है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसराइल में इमरजेंसी का ऐलान हुआ है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और लेबनान पर हुए हमले को लेकर अब वहां पर नेतन्याहू की तरफ से एक वीडियो साझा किया गया है, जिस वीडियो में लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो चिंता ना करें, इस स्थिति से हम जल्द ही बाहर निकलेंगे। इसकी चर्चा नेतन्याहू की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि लेबनान के लोगों के लिए ये वीडियो संदेश जारी किया गया, दावा ये किया गया है उनकी जंग लेबनान के लोगों के साथ नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के साथ है, जो बहुत लंबे वक्त से लोगों को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो तस्वीरें हम आपको इजराइल के लेबनान की दिखा रहे हैं, जहां पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। 1300 ठिकानों पर एक साथ हमला हुआ, 492 लोगों की जान जा चुकी है और 30 सितंबर तक यहां पर इमरजेंसी लागू कर दी गई है। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you, it's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes.